जिस मन पर शब्दों का आक्रमण हो, मन तो निरंतर ही खोज में खोया रहता है। कभी शास्त्रों में, कभी पर्वतों पर, कभी समुद्र के किनारे, तो कभी तीर्थ स्थलों पर, कभी मंदिरों में, कभी वन में, किंतु जो वो खोज रहा होता है वो कभी मिलता नहीं, क्योंकि मन तो अभी भी स्थिर नहीं। वो व्यक्ति जहां भी रहे पुत्र, जहां भी जाए और जहां भी खोजे, तुमने भी सदैव शब्दों पर ध्यान दिया है कार्तिक, भले ही वो मेरे शब्द हो या किसी और की, तुम्हारी प्रतिक्रिया तो उन शब्दों पर ही आती, और जो मन केवल शब्दों को सुनता है वो उसके निहित अर्थ से स्वयं वंचित रह जाता। शब्दों की सत्यता को समझने के लिए, उनकी अनुभूति के लिए, मन में शांति के साथ साथ रिक्तता भी अनिवार्य है, शून्यता भी अनिवार्य है। मन में इतना स्थान होना चाहिए पुत्र कि वो शब्दों के परे पहुंचने की यात्रा कर सके, किंतु मन कभी शून्य नहीं रहता, रिक्त नहीं रहता। वो सोचता है कि शब्दों का आधिक्य ही ज्ञान अर्जन है, शब्दों से ही ज्ञान है, इसलिए शब्दों का संचय करता रहता है। मन ये नहीं जानता कि परम ज्ञान तो शब्द अतीत है, एक अनुभूति जिसे शब्दों से बांधना असंभव है। शब्दों का अपना मूल्य क्या है कार्तिक? कुछ भी नहीं। जब भी कोई ईश्वर का नाम लेता है तो क्या ईश्वर मात्र एक शब्द में ही सीमित हो जाते? नहीं, यहां शब्द सत्य नहीं, सत्य है वो अनुभूति जो इन शब्दों में विद्यमान है। यदि शब्द ही सत्य होते तो मात्र भोजन कह देने से व्यक्ति की शुदा शांत हो जाती। इसीलिए मात्रा शब्दों की नहीं मात्रा उस अनुभूति की है जो उन शब्दों से संबद्ध है। यदि शब्द नहीं भी होते तो भी ईश्वर अवश्य होते। यदि शब्द नहीं भी होते तो सुख और दुख की अनुभूति अवश्य होती, जल की शीतलता की अनुभूति होती, सूर्य की ऊष्मा और चंद्र की शीतलता की अनुभूति होती, प्रेम की अनुभूति होती। किंतु यदि अनुभूतियां ना हो तो शब्द निरर्थक है। शब्दों से तृप्त हो जाना ज्ञान का अंत है, अज्ञानता का प्रारंभ है। ज्ञानी वही है जिसके पास अनुभूतियां, अनुभव, और उसके लिए मन को शांत व रिक्त तो करना ही पड़ेगा पुत्र। युद्ध किसी व्यक्ति से नहीं गणेश, मानसिकता से होता है। युद्ध में संघर्ष अच्छाई या बुराई का नहीं होता, सभी में अच्छाई है और बुराई भी है पुत्र। युद्ध तो विचारधाराओं का होता है, व्यक्ति अपने पराक्रम पर, अपनी क्षमता पर विश्वास कर युद्ध करता है, और जब उस विश्वास को क्षति पहुंचती है तो सब कुछ निरर्थक प्रतीत होने लगता है। किंतु आपसे पराजित होकर भी लोहिता क्यों नहीं समझ रहा उसे अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग कर उचित मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। व्यक्ति अपने को खोते समझती है, व्यक्ति अपने को समर्पित करते, छोड़ते अहंकार को, तो भ्रम की इच्छा ही पूर्ण होती है, और अभी भी वही फलित हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम उससे भिन्न फलित करा देंगे, लेकिन व्यक्ति भिन्न फलित कराने में लड़ेंगे, टूटेंगे,
नष्ट हो। एक नदी में एक बार बाढ़ आ गई पुत्र, दो छोटे से तृण उसमें बह रहे थे और उसमें से एक नदी में तिरछा पड़ गया और वो बाढ़ को रोकने का प्रयास कर रहा था। वो अत्यंत ऊंचे स्वर में कह रहा था कि नदी को आगे नहीं बढ़ने देगा। यद्यपि नदी तो बस बढ़ती ही जा रही थी, वो फिर ऊंचे स्वर में यही कह रहा था कि मैं इसे अवश्य रोकूंगा। यद्यपि रोक नहीं पा रहा था, नदी को तो उसके संघर्ष का कुछ भी पता नहीं चल रहा था, किंतु नदी को उसके होने या ना होने से क्या अंतर। उस कण के लिए तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण था, उसका जीवन तो संकट में था, वो तो बस बहे जा रहा था। वो जहां भी पहुंचता, किंतु उससे पहुंचना तो संघर्ष करके ही था, किंतु ये बीच का क्षण, ये बीच का काल दुख पीड़ा द्वंद्वता का काल है। वहीं दूसरी ओर जो दूसरा तृण था, उसने अपने को समर्पित कर दिया। वो तो नदी में सीधा पड़ा हुआ था, नदी के प्रवाह के साथ साथ बहता जा रहा था और उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वो नदी को दिशा दे रहा है, उसे प्रवाहित होने में सहायता कर रहा है। वो तो ये निश्चय कर बैठा था कि नदी को समुद्र तक पहुंचा कर ही रहेगा, किंतु नदी को उसकी उपस्थिति का भी आभास नहीं था। नदी पर उन दोनों के होने या ना होने का कोई प्रभाव नहीं था, नदी तो बस बहे जा रही थी। धम्म की इच्छा को जाना नहीं जा सकता, किंतु ब्रह्म के साथ एक अवश्य हुआ जा सकता, और तब व्यक्ति की अपनी इच्छा तो खो ही जाती है, केवल उसकी इच्छा ही शेष रह जाती है। लोहितांग को अपनी आगे की यात्रा पूरी करने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय अवश्य लेने होंगे। केवल उसके अहंकार को अभी तो उसके आत्मसम्मान को भी क्षति पहुंची। जहां से इस युद्ध का अंत हुआ है, वहीं से लोहितांग के अंतर युद्ध का आरंभ हुआ है, और जो भीतर पराजित होता है उसे हर दिशा में केवल पराजय ही दिखती है।